बहुत सारी जानकारियां भी, शिकायतें भी और योजनाओं का लाभ लोग ले पा रहे हैं और उसकी भी जानकारी तहसील कार्यालय, हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो दो दो जगह गए, जनपद कार्यालय गया, तहसील कार्यालय गए, तो सबसे फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया। और जहाँ आवश्यकताएँ थी, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, पुलिया निर्माण की बात हो, शेड बाजार में शेड निर्माण की बात हो, वो सबके मैंने घोषणा भी की है। तो ये एक अच्छा अनुभव रहा, जिसे शासन के योजनाएं हैं जिसका लाभ मिल रहा है। खासकर जो पालक हैं वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो खुला स्वामी आत्मा के नाम से, उससे काफ़ी लोग खुश भी हैं, क्योंकि एक तो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई भी हो रही है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पालकों को जो भारी भरकम फीस का पैसा लगता था उससे भी बचत हो रही है। नामांतरण खत्म नहीं, बंटवारा का भी मैंने निरीक्षण किया, काफ़ी संतोषप्रद है। थाने में गए, वहाँ कोई लोगों के नए थाने के कार्य से संतोष व्यक्त किया। PDS साहब में गया तो वहाँ निश्चित रूप से वहाँ एक महिला जिससे मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, तो उसे तत्काल बनाने के निर्देश भी दिया और जो जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। तो इस प्रकार से किसानों से मैंने पूछा कि पैसा पूरा धान जो विक्रय हुआ उसका मिला कि नहीं मिला, पिछले साल 4 किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला कि नहीं मिला, सब लोगों ने संतोष व्यक्त किया। वहीं गोधन न्याय योजना से काफ़ी लोग आशान्वित भी हैं और उम्मीद भी है कि इस योजना का लाभ आम जनता ले पा रहे हैं, जिसमें गोबर जो गोपालक हैं गोबर विक्रय कर रहे हैं उसका भी पैसा मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट का भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो योजना हमारी है जिसके माध्यम से तेल मिल भी है, दाल मिल है, अन्य प्रकार के और जो छोटे छोटे उद्योग जो लगाने हैं जो गांव में स्थापित किया जा सकता है, तो वो भी काम हो रहा है, जिसमें स्व सहायता समूह के बहनों ने सरसों के तेल क्रय करके मुझे भेंट भी किया, धनिया पाउडर भी भेंट किया, टाऊ भी भेंट किया, बड़ी बना कर लाए थे उसे भी, और इमली का अचार बनाए थे वो भी बहनों ने मुझे भेंट की। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं, गांधी जी की जो ग्राम स्वराज्य है उसको साकार करने में हमारे गांव के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी प्रकार से आदिवासियों के बीच भी मेरी मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारे उनके मांगे थी, जिसमें मात्रात्मक त्रुटि या फिर उच्चारण के वजह से जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, फॉरेस्ट राइट एक पट्टा उन लोगों को मिल रहा है, उसका लाभ किस प्रकार से लेना है उसके बारे में बात हुई, पेशा कानून के बारे में भी लोगों ने चर्चा की, जिसके बारे में मैंने जानकारी दी, वो ड्राफ्ट मिल गया है, सभी विभागों को भेज दिया गया और अगले कैबिनेट में वो पेशा जो कानून तो पहले से लागू है, नियम बनाने की बात है, तो नियम इस प्रकार से बनाएंगे जिसमें आदिवासियों को भी लाभ मिले और जो और दूसरे लोग हैं जो परंपरागत निवास करते हैं गाँव में उसको भी उसके हक को भी ध्यान रखा जाएगा। मैंने सभी विभाग के मंत्रियों को अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है, तो अगले कैबिनेट जो आएगा उसमें मैं समझता हूँ कि सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम में एक और इस आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश के बच्चों को, खासकर छात्र छात्राओं को मैं कहना चाहूँगा, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाला है और 10वीं 12वीं के रिजल्ट के आने के पहले बहुत लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है, कई लोग थोड़ा सा उसके एंजाइटी भी होती है, डरे रहते हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत लोग उत्सुक रहते हैं कि हमने पेपर बहुत बढ़िया बनाया है, रिजल्ट कैसा आएगा। तो उनके उन छात्र छात्राओं के निश्चित रूप से अपने सपने होते हैं उड़ान, तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो ज़िले में टॉप करेंगे, उन सब बच्चों को जो अपने अपने ज़िले में 10वीं और 12वीं जो टॉप करेंगे उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड
उन लोगों को कराया जाएगा, ये इस आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में मैं घोषणा करता हूँ। आप लोगों तक पुलिस परिवार के लोगों ने दो बात कही। पहली बात ये है कि हमको जो साप्ताहिक अवकाश है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि पुलिसकर्मी भी अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से परिवार वालों को, बच्चों को खासकर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू किया गया, जो सब शासकीय कर्मचारी अधिकारी जो राज्य के हैं वो अपने भविष्य लेके चिंतित रहते थे, अब कम से कम रिटायरमेंट के बाद उसकी चिंता समाप्त हो गई है, बुढ़ापा भी उनका अच्छा बीतेगा, घर वाले भी उसका ध्यान रखेंगे, पेंशन का पैसा मिलेगा, तो जो बहू बेटा है नाती है वो भी बराबर ध्यान रखेंगे, तो इस बात पे उन्होंने धन्यवाद दिया। रमन सिंह जैसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, पहले कह दिया औचक निरीक्षण नहीं, पहले घोषित कार्यक्रम है कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे, ये बात सही है कि आम सभा नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक कार्डलेस मेरे हाथ में है तो तीन कार्डलेस आम जनता के लिए कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी जानकारी दे सकता है, जानकारी ले सकता है। ये कल आप लोगों को बहुत सारे पत्रकार साथी आप लोग थे, आपने देखा होगा कि जो हाथ उठाए उसको कार्डलेस उसके पास पहुंचा, उन्होंने सवाल किया, सब निर्देश दिए हैं और उसके अध्ययन किया जा रहा है कि किस प्रकार से कलेक्ट होगा, उसका रेट क्या होगा, किस दर पे उसका तय हो, ताकि जो जो गौ पालक है उसको भी लाभ मिले, उसकी जो दवाइयाँ बनेगी तो स्व सहायता समूह को उसका हिस्सा कितना जाएगा, गौठान समिति कितना जाएगा, तो वो अध्ययन कर रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और उसको एकत्रित करने की व्यवस्था और उसके फिर वितरण करना है उसके किस प्रकार से व्यवस्था, वो सारी चीज़ों के अध्ययन किया जा रहा है, और जैसे वो पूरा होता है फिर कैबिनेट सामने प्रस्तुत होगा। मनरेगा से जो जुड़े हुए जो रोजगार सहायक हैं उनसे मैं कहूँगा कि अभी काम करने का समय है, पर कोई भी समस्या है या मांग है उसे चर्चा करके ही किया जा सकता है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई, चूँकि बरसात में आप मनरेगा काम नहीं कर पाए, अभी सीजन है उसे काम कर लीजिए, उसको बातचीत कर लेंगे, उसे समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान बातचीत से ना हो। सर जगदलपुर कोई भी आदमी अचानक, कोई भी संगठन अचानक सड़क पर उतर आए तो लाइन आर्डर की स्थिति बनेगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यदि आप सूचना दे देंगे, सूचना ही देना आपको, सूचना देकर अनुमति लेना है, अनुमति लेके करेंगे तो आपके आंदोलन भी सुव्यवस्थित रहेगा, आम जनता कोई परेशानी नहीं होगी। और केवल ये नियम पहली बार नहीं, आदेश पहली बार नहीं जारी हुआ, भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में वो तो सरगुजा में तो 3 साल तक 144 धारा लगा था, भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में पूरा अंबिकापुर जिले में 3 साल तक 144 धारा लगा था, इसके बारे में कुछ कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? और यही आदेश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर उपदेश कुशल बहुत है, डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत वो बढ़ाए और वेट करने के लिए हमको कहें। अच्छा वेट तो पेट्रोल डीजल में है, रसोई गैस में तो वेट नहीं है, उसको कम कौन करेगा? एक दूसरी बात, पिछले 2 साल से सेस लगाए से पहले पेट्रोल डीजल में सेस नहीं लगता, यदि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यदि है या उसमें वृद्धि होती है तो उसका हिस्सा राज्यों को भी मिलता है, लेकिन सेस जो लगा है वो राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिलता, सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है, तो सेस में पहले कमी करें, सेंट्रल एक्साइज में कमी कर दे तो राज्यों को कहने की जरूरत ही नहीं है, वो राज्य के हिस्सा करता है, केंद्र का हिस्सा करता है, हमको अलग से कहने की क्या जरूरत है, आप सेंट्रल एक्साइज में कमी कर दीजिए, निश्चित रूप से कमी होगी। अभी जब से हमारी सरकार बनी है उसमें एक विशेषता ये है कि हम लोग व्यक्ति को केंद्र में मान के विकास के सारे ताने बाने हमने बुने हैं, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, तो और उसके कारण से एक नया दृष्टि न केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बल्कि देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बनते जा रहा है, चाहे आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की बात करें, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करें, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात करें, चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना की बात करें, शहरी स्वास्थ्य सुलभ योजना की बात करें, कि ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोग प्रेरित होंगे, तो इन नई योजनाएं हैं, अधिकारियों को इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को इसमें भागीदार बनना है,
तो किस प्रकार से भागीदारी हो रही है, तो उसको जब तक कि नजदीक से जाकर नहीं देखेंगे, आम जनता से मुलाकात करके जो लाभार्थी है उनसे हम लोग जब तक के बात नहीं करेंगे तब तक के सही फीडबैक नहीं मिलेगा। जो पुराने जो काम है, जो राजस्व विभाग का काम, जैसे मान लो बंटवारा खतौनी है, तो वो काम परंपरा से चला आ रहा है, तो उसमें तेजी आई है नहीं आई है, उसमें कोई पेंडिंग तो नहीं है। थाने हैं, पुलिस की पुलिसिंग का काम तो पहले से हो रहा है, लेकिन आज स्मार्ट पुलिसिंग की बात आ रही है तो उसमें कितना सुधार हुआ है। आज जो आधुनिक युग है, आधुनिक संसाधन है, उसका लाभ आम जनता को मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, तो सब चीज़ों का अध्ययन। अब अस्पताल आप देखेंगे, अस्पताल में यहाँ भी अब डिलीवरी होने लगे हैं, ऑपरेशन होने लगे हैं, जेनरिक दवाई मुफ्त में वितरित किया, जो सफलता है उसकी भी जानकारी मिलती है, जो परेशानी है जो समस्या आती है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो ये उद्देश्य यही है कि हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, आम जनता से मिलके सबसे मिलके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कल जो चार जगह मेरी विजिट हुई है उसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें काफ़ी हद तक लोग उसे लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद खैरागढ़ का उपचुनाव हुआ, उसमें सफलता भी मिली, अब सारे मंत्री इसमें निकले हैं। अभी शिव डहरिया जी पिछले दिनों आपके सरगुजा अंबिकापुर में आज बैठक करके गए, चौबे जी आज गोधन न्याय योजना के वितरण करने के लिए राजधानी से बाहर आके राजपुर में आज वितरित किए हैं, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी बस्तर गए हुए, कवासी लखमा जी दौरा कर रहे हैं, तो सर अभी अमरजीत जी चूंकि उसके घर में शादी थी तो उसमें व्यस्त हैं, अनिला भेड़िया जी, सारे लोग कामराज साहू जी लगातार सब लोग दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना हमारा जीता है, तो इसलिए जीता तेजी से हो सके हम लोग जाएँ, जनता के बीच में जाएँ, और मंत्रीगण अपने विभाग के बारे में बैठक भी ले रहे हैं, लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश में भ्रमण करके आम जनता से सभी विभागों के बारे में जानकारी लूँ और उसमें जो भी सुधार करने की गुंजाइश हो उसे हम लोग सुधार करें। तो ये है कि जब तक के हाईकमान, इसकी अनुमति हाईकमान से मिलना है, हाईकमान जब दे या ऐसा महसूस करें तब किया जाएगा।